हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाला रिच ग्रेवी के साथ शाही व्हाइट मटन कोरमा, जो शादियों में बनने वाले व्हाइट मटन कोरमा को भी कर देगा फेल। बस आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और डिलीशियस कोरमे का लुत्फ उठाइए। तो चले फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो मटन लिया है और इसको वॉश कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। 100 ग्राम दही, 1 टेबल स्पून पीली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में या ऐसे ही रख दीजिए। अगर इतना भी टाइम नहीं हो तो डायरेक्ट ही कुक कर लीजिएगा। 15 बादाम, 15 काजू। काजू बादाम को मैंने तेज गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगोकर बादाम का छिलका उतार लिया था। 1 टेबल स्पून मींगे। अब इन सभी को मिक्सर जार में डाल दीजिए। आधा कप दूध ऐड कीजिए। अब इन सभी का एक फाइन पेस्ट रेडी कर लीजिए। देखिए, एकदम फाइन पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। अब इसको एक अलग बाउल में निकाल लीजिए। कुकर में 100 ml ऑयल गर्म कीजिए। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लीजिएगा। 15 काली मिर्च, 15 कबाब चीनी, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 5 हरी मिर्च जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया है, 2 तेजपात। अब इन सभी मसालों को ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए मैरिनेट किया हुआ मटन। अब ऐड कीजिए 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट, मैंने बना लिया था। प्याज वेट में 200 ग्राम थी। पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा दही मटन और प्याज ही काफी पानी रिलीज करेगा। कुकर की लिड लगा दीजिए और प्रेशर भर जाने के बाद स्लो कर दीजिएगा और 10 मिनट तक कुक कर लीजिएगा। 10 मिनट हो गए हैं, मटन को चेक कर लेते हैं। मटन अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें काजू बादाम और मींग का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब कुकर की लीड ऊपर से रखकर स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब ऐड कीजिए 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या दूध की मलाई। मैं यहाँ फ्रेश दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ, जो वेट में 50 ग्राम है। अब आप इसको 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर और कुक कर लीजिए। 3 मिनट हो गए हैं, हमारा लजीज शाही व्हाइट मटन कोरमा बनकर रेडी है। इसको बाउल में सर्व कर गार्निश कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ी हरी मिर्च और हरा धनिया की पत्ती। गार्निशिंग से तो खाने में मजा ही आ जाता है। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है डिलीशियस शाही व्हाइट मटन कोरमा, जिसको आप तंदूरी रोटी, चपाती या चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।